हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को-फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। दोस्तों, बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड फंड यील्ड कर्व गोइंग अप, इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, मार्केट गोइंग डाउन। दोस्तों, ये काफी सर्च्ड टर्म्स है अब गूगल के अंदर में, और इसको डिमिस्टिफाइड करना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, कई लोगों से आपने सुना होगा कि यूएस का बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, जिसके कारण मार्केट में शायद एक करेक्शन का मोड है। आपने कई लोगों से सुना होगा कि फ्रैंकलिन टेम्पलटन का जो बॉन्ड फंड था, उसके अंदर में कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके कारण बॉन्ड स्कीम से विड्रॉल हो रहा है। ये कई बातें हैं जिनको सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, और एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड फंड्स और बॉन्ड मार्केट के ऊपर में आना बहुत जरूरी है। मुझे लगा दोस्तों, इस फेस टू फेस के अंदर में ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया जाए जिनको बॉन्ड मार्केट समझ में आता है, और जो बॉन्ड फंड्स, खासकर म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और अपने को बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट को समझा पाए। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर कीर्तन शाह को इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए। कीर्तन, हाय। हाय विवेक, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। माई प्लेजर, माई प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड हेल्पिंग अस टू डिकोड दिस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ बॉन्ड फंड। सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बट मुझे श्योरिटी है कि आप इसको इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि एक आम आदमी जो कि हमेशा कंफ्यूज रहता है कि बॉन्ड 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 में इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, शायद आप उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाएंगे। विवेक, कोशिश यही रहेगी। आई होप लिसनर्स व्यूअर्स को बॉन्ड्स के बारे में जितनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के एंगल से और उसके रिलेशनशिप्स दूसरे एसेट क्लासेस के साथ, वो डेफिनेटली होप मेरी यही है कि हम उसे डिमिस्टिफाई कर पाए। फैंटास्टिक। सो कृतम, मेरा फॉर्मेट ऐसा है कि थोड़ा आपके बारे में जानेंगे कुछ मिनट्स के लिए, और उसके बाद में मुझे पता है कि आपने बहुत रिच कंटेंट हमारे लिए बना रखा है, तो मैं ज्यादा टाइम उसमें नहीं लूंगा, बट आपके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि आप CFP हैं, आप क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। हाँ विवेक, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं BSc मैथ स्टैट्स में ग्रेजुएट हूँ। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैं एक CIWM हूँ, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और रिस्क मैनेजमेंट भी कर रखी है। तो पर्सनल फाइनेंस में पहले से ही इंटरेस्ट था। मैं मार्केट्स में पिछले 13 सालों से हूँ, वेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करता हूँ। हम मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डेट, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज और रियल एस्टेट। मैक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कौन सा एसेट क्लास कब मूव करेगा, कहाँ फोकस और एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, ये हमारे स्ट्रेंथ एरियाज है। और थोड़ा सा पढ़ाने का शौक है, तो ट्रेनिंग्स में इन्वॉल्व हूँ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और स्पेसिफिकली एडवाइजर्स को मैं फिक्स्ड इनकम और इक्विटी के आजू बाजू ट्रेन करता हूँ, और स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड से मेरा रिलेशनशिप या अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के ट्रेनिंग्स में मैं काफी इन्वॉल्व रहता हूँ। क्या बात है, बहुत ही होलिस्टिक प्रोफाइल है आपका, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इस टॉपिक में मैं आपके साथ जुड़ पा रहा हूँ और आपसे सीख पा रहा हूँ। तो कीर्तन, ज्यादा टाइम नहीं इसमें लगाते हैं और सीधा आपसे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। तो पहले आप अपनी तरफ से जो बातें बताना चाहते हैं, जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हमको दे दीजिए, और उसके बाद मैंने ट्विटर में आपके लिए एक पोस्ट किया था कल की, जिसको जिसको कीर्तन से क्वेश्चंस पूछने हैं वो पुश करे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए। तो मेरे पास तो बहुत क्वेश्चंस हैं, मेरे खुद के भी होंगे और मेरे व्यूअर्स के भी हैं, बट पहले आप अपनी बात कर लीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाएंगे। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। या आई कैन सी द प्रेजेंटेशन। ओके, परफेक्ट। सो विवेक, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोग डेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। आई आई डोंट नो व्हाई,
और ये ऐसा क्यों होता है कि इक्विटी इज द लव्ड सब्जेक्ट और डेट को थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाइल यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, आई थिंक जैसे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा कि डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन एसेट क्लास और वन बास्केट, राइट? आई थिंक डेट का एक अपना रोल है जो अनफॉर्चुनेटली प्ले नहीं किया जाता मार्केट में। तो आज मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग डेट में इसीलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि डेट मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट कैसे चलता है ये अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें और डेट मार्केट में कोई अंतर ही नहीं है, वो उतना ही सिंपल है। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि इक्विटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, पर लोगों को क्योंकि आप जैसे, मेरे जैसे और बहुत सारे दूसरे लोग मार्केट में इक्विटी के बारे में काफी सारे बातें करते रहते हैं, सेंसेक्स निफ्टी ये सारी चीजें बहुत पॉपुलर हो चुकी है, इसलिए इक्विटी उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो रोज देखते हैं उन्हें समझता है। पर अगर मैं आप पूछूं कि डेट मार्केट का इंडेक्स कौन सा है, जैसे इक्विटी में सेंसेक्स और निफ्टी है, आई नो 10 में से 9 लोगों को शायद उसका आंसर नहीं पता, तो जी शायद लिटरेसी इतनी कम है कि इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद डेट डिफिकल्ट है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट क्या है ये चीज पता है तो डेट मार्केट आप समझते हो। इट इज जस्ट कि आपको किसी ने थोड़े से सिंपलिस्टिक फॉर्म में इसे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, और मेरा ऑब्जेक्टिव अगले आधे घंटे में यही है कि आपको डेट मार्केट से जुड़ी हुई हर बेसिक जानकारी डिमिस्टिफाई कर देना। बहुत सही, बहुत सही। वैसे तो मैं कीर्तन, इंडिया में फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड, ये दो के बारे में तो एक्चुअली सभी जानते हैं, बिकॉज ज्यादातर पैसे तो वहीं अटके पड़े हैं हमारे। एब्सोल्युटली, आई मीन मैं वही, जब भी मैं इन्वेस्टर्स या एडवाइजर से डिस्कशन करता हूं तो मुझे ये चीज सुनने में आती है कि फिक्स्ड इनकम बहुत डिफिकल्ट है इसलिए उन्हें नहीं समझता है। और मैं ये सरप्राइज हो जाता हूं कि अगर उन्हें फिक्स डिपॉजिट समझता है तो उन्हें फिक्स इनकम क्यों नहीं समझता, क्योंकि वो एक ही चीज है, देयर इज नो सही डिफरेंस, सही है। राइट? सो कीपिंग दैट इन माइंड, कोशिश यही है कि मैं ये कॉन्सेप्ट डीमिस्टिफाई कर पाऊं। तो सबसे पहले डेट या फिक्स्ड इनकम क्या होता है विवेक? सो फिक्स्ड इनकम का मतलब एक लोन है। मान लीजिए आज अगर आप किसी एक बैंक में जा रहे हैं और बैंक में आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रख रहे हैं एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट? हाँ तो अगर इसे आप टेक्निकली देखें तो बैंक एक बोरोवर बन जाता है जिसने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं, और आप लेंडर बन जाते हो जिसने बैंक को 1 लाख रुपए दिए हैं। अब जी पॉसिबल है 6 महीने बाद बैंक ये भी आपको बोल सकता है कि कौन से 1 लाख रुपए, मुझे तो नहीं पता आपने कब रखे थे। इसलिए ये पूरा फिक्स्ड इनकम मार्केट एक छोटी सी प्रैक्टिस फॉलो करता है कि जो हाँ भी बोरोवर है, जो भी पैसा लेगा, इस केस में बैंक जिसने 1 लाख रुपए लिए है, वो आपको राइटिंग में कुछ देगा कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए हैं जिसे मैं 8% इंटरेस्ट के साथ 5 साल बाद लौटा दूंगा। तो ये एज अ लेंडर आपके पास राइटिंग में एक रहेगा डॉक्यूमेंट जिसे आप कभी भी प्रोड्यूस करके आपके पैसे वापस ले सकते हो। तो इस केस में जो बोरोवर है वो है बैंक, जो लेंडर है वो हो सही है। आप पेपर को जो बैंक ने आपको दिया है आप इसे फिक्स डिपॉजिट कहते हो। जी अब ये इतनी सिंपल सी चीज है कि जो बोरोवर है, जो पैसे लेता है, वो आपको राइटिंग में कुछ लिख कर देता है जिसे मार्केट में प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है, राइट? जी प्रॉमिसरी नोट को आप अलग अलग नाम से बुलाते हो। इस केस में इसे आपने फिक्स डिपॉजिट कहा। मार्केट में बहुत सारे दूसरे टर्म्स यूज होते हैं जैसे टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, जी सेक, एसडीएल्स, ये सब एक फिक्स डिपॉजिट ही है, ओके सिर्फ नाम अलग अलग है, राइट? नाम क्यों अलग अलग हो सकते हैं? जैसे मार्केट में लेट्स से कौन से अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आप सुनेंगे, तो आप सुनेंगे सबसे पहले तो ब्रॉडली, जैसे इक्विटी मार्केट्स में होता है लार्ज कैप और मिड कैप, वैसे डेट मार्केट में ब्रॉडली होता है मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट का मतलब है कि ऐसी दी हुई लोन्स जो 1 साल से ऊपर के टेन्योर की हो ही नहीं सकती। तो जैसे इक्विटी मार्केट्स में आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप्स
को इक्विटी मार्केट में आपने डिवाइड कर रखा है, वैसे ही पूरा फिक्स्ड इनकम मार्केट्स भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक जिसे आप कहते हो मनी मार्केट, दूसरा जिसे आप कहते हो लॉन्ग टर्म। अब मनी मार्केट कैसी लोन्स है? मनी मार्केट ऐसी लोन्स है जिससे आप 1 साल से ज्यादा के लिए लोन दे ही नहीं सकते। इसका मतलब ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स या जो भी नाम आप पढ़ रहे हो पावर पॉइंट पे, ये एक ऐसी लोन्स है जिसमें आप निवेश 1 साल से ऊपर के लिए नहीं कर सकते, या ये प्रोडक्ट 1 साल के ऊपर के लिए बना ही नहीं, राइट? लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोडक्ट्स है या ऐसी लोन्स है जिसमें 1 साल से नीचे के लिए आप निवेश कर सकते हो, पर ये प्रोडक्ट्स 1 साल से ऊपर के लिए भी अवेलेबल है। जैसे आपने देखा होगा यहां मैंने फिक्स डिपॉजिट्स लिखे, अब आप कहोगे 6 महीने की भी तो फिक्स डिपॉजिट्स होती है, पर डिपॉजिट्स 2 साल, 3 साल, 5 साल की भी हो सकती है, इसीलिए आप उसे लॉन्ग टर्म में क्वालिफाई करेंगे। तो पूरे फिक्स इनकम मार्केट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, या लोन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक जो 1 साल से नीचे की लोन्स है मनी मार्केट, और एक जो 1 साल से ऊपर के भी फॉर्म में आती है जिसे आप लॉन्ग टर्म लोन्स कहते हैं या लॉन्ग टर्म फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो अब ये सब फिक्स डिपॉजिट्स की तरह ही ऑपरेट होती है, सिर्फ इनके नाम अलग अलग है। इनके नाम क्यों अलग अलग? इनके नाम दो रीजंस की वजह से अलग अलग। पहले, इसमें पैसा बोरो कौन कर रहा है, राइट? तो आप देखेंगे कि 3 या 4 ही लोग मेजरली पैसा बोरो करते हैं मार्केट में। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स। आप देखेंगे कि मेजरली पैसा इन 4 इंस्टीट्यूशंस के बीच में ही बट रहा है। जी तो अगर बैंक पैसा बोरो कर रही है तो आप उसे फिक्स डिपॉजिट्स कहते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो इसे आप जीसेक या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स भी कहते हैं, ओके अगर कॉर्पोरेट पैसा बोरो कर रही है तो आप उसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज या डिबेंचर्स या एनसीडीज कहते हैं। जी तो पहला रीजन कि इनके नाम क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनका बोरोवर कौन है वो नाम से पता चलता है। दूसरा, बोरोवर पॉसिबल है कि सेम हो पर नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहां पर फिक्स डिपॉजिट में बोरोवर बैंक है, यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी बोरोवर बैंक है, जैसे डिबेंचर में बोरोवर कंपनी है, यहां पर कमर्शियल पेपर्स में भी बोरोवर कंपनी है। तो नाम क्यों अलग अलग? उसका लॉजिक सिंपल है, अगर आप किसी कंपनी को 1 साल से नीचे के लिए पैसा दे रहे हैं तो उसे आप कमर्शियल पेपर्स कहेंगे, और अगर आप 1 साल से ऊपर की लेंडिंग कर रहे हैं तो आप उसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, डिबेंचर या एनसीडीज कहेंगे। सो टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा फिक्स्ड इनकम मार्केट फिक्स डिपॉजिट जैसा है। आप किसी को लोन दे रहे हो, वो सामने वाला आपको रिटर्न देता है। इन चीजों का नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि शायद आप जिसे पैसा दे रहे हो वो बोरोवर अलग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग है। शायद बोरोवर सेम है, पर अगर आप 1 साल से कम के लिए लेंडिंग कर रहे हो तो नाम अलग है, 1 साल से ऊपर के लिए लेंडिंग कर रहे हो तो नाम अलग है। ओके फैंटास्टिक। सो ये सीबीएलओ क्या है कीर्तन? सो विवेक, सीबीएलओ का मतलब है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग और लेंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये एक ऐसा मार्केट है, जहां पर दो एंटिटीज एक दूसरे से ओवरनाइट के लिए बोरोइंग करती है। तो या तो दो बैंक्स एक दूसरे से पैसा ओवरनाइट के लिए लेंगे, या तो एक म्यूचुअल फंड बैंक से पैसा ओवरनाइट के लिए लेगा, या तो अब म्यूचुअल फंड बैंक को पैसा ओवरनाइट के लिए देगा। ये पूरा ओवरनाइट फिक्स्ड इनकम मार्केट है जहां पर आप एक दिन के लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं। तो कॉल मनी मार्केट क्या है? वो भी तो वही है। करेक्ट। सो कॉल मनी मार्केट और सीबीएलओ में अंतर ये है कि कॉल मनी मार्केट सिर्फ दो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउड है। तो ओके 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 अगर एक एनबीएफसी को ओवरनाइट पैसा चाहिए तो उन्हें कॉल अच्छा कॉल मनी मार्केट में बोरो करना अलाउड नहीं है। अगर एक अच्छा म्यूचुअल फंड्स को रिडम्पशन के लिए पैसा चाहिए या इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए तो उन्हें ओवरनाइट पैसा चाहिए तो उन्हें सीबीएलओ में से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा क्योंकि उनको ओके कॉल मनी अलाउड नहीं। गॉट इट गॉट इट। सो अब
इफ आई हैव टू ब्रिंग दिस टॉपिक टू अ कंक्लूसिव एंड कि फिक्स डिपॉजिट्स और ये दूसरे इतने सारे प्रोडक्ट्स जो हमने डिस्कस किए जिसके नाम अलग अलग है, इन प्रोडक्ट्स में और फिक्स डिपॉजिट में इमीडिएट डिफरेंस क्या है? तो एक इमीडिएट डिफरेंस है कि फिक्स डिपॉजिट के अलावा यहां पर आप जितने भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं ये सब प्रोडक्ट्स स्टॉक्स की तरह मार्केट में ट्रेड होते हैं। सो क्विकली लेट मी एक्सप्लेन टू यू दिस वन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट कैसे ऑपरेट करता है, तो आपने 100 रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे, बैंक ने आपको कहा कि मैं 6% रिटर्न दूंगा 5 साल के लिए, तो आपको 6 रुपए पहले साल, 6 रुपए दूसरे साल, 6 तीसरे, 6 चौथे, 6 पांचवें साल और मच्योरिटी पे आपको आपका 100 रुपया वापस मिल जाएगा। टेक्निकली फिक्स डिपॉजिट ऐसे ऑपरेट करते हैं। ये ठीक है। बाकी सब प्रोडक्ट्स जिसे हम बॉन्ड्स कहते हैं वो भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, राइट? तो आपने 100 रुपए लगाए इस बॉन्ड में, वो आपको 6%, यहां पर इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहा जाएगा, इसे यहां पर कूपन कहा जाएगा, राइट? और इस रेट को कूपन रेट कहा जाएगा। पर होता सेम है, कि आपको हर साल 6 रुपए मिलेंगे, राइट? मच्योरिटी पे आपको आपके 100 वापस मिल जाएंगे, एग्जैक्टली लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। एक ही अंतर है कि ये बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। ट्रेड का मतलब क्या है? मान लीजिए एक साल बाद पॉसिबल है कि ये सेम बॉन्ड जिसकी अभी 4 साल की मच्योरिटी है मार्केट में, और क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है, आप इसे एक साल के एंड में मार्केट से भी खरीद सकते हैं क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है, और क्योंकि ये मार्केट्स में अवेलेबल है स्टॉक्स की तरह, इसका प्राइस भी ऊपर या इसका प्राइस भी नीचे जा सकता है, करेक्ट? अब इसमें अंतर ये ही है कि अगर आप इसे 95 पे खरीदे या 105 पे खरीदे मार्केट में से, राइट? बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी। इमेजिन कीजिए आपने एक साल बाद एक फिक्स डिपॉजिट मार्केट से खरीद लिया 105 में या 95 में, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपने 95 में या 105 पे वो फिक्स डिपॉजिट खरीद लिया तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स चेंज हो जाएंगे। आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स तो वही रहेंगे क्योंकि बैंक ने आपको जो 6 रुपए गारंटी दी है, बैंक तो आपको वही 6 रुपए देगा, राइट? आपने किस प्राइस पे खरीदा है उससे बैंक को क्या लेना देना है? सिंपल, आप बॉन्ड किस प्राइस पे मार्केट से खरीदेंगे उससे इश्यूअर को, जो जिसने भी आपको ये बॉन्ड दिया, उसे कुछ लेना देना नहीं है। आपको 6 रुपए मिलेंगे अगले 4 साल तक और आपको मैच्योरिटी पे आपके 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, राइट? सो एक ही डिफरेंस है फिक्स डिपॉजिट और ये सब दूसरे प्रोडक्ट्स में जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं, इन प्रोडक्ट्स को आप कभी भी बीच में खरीद सकते हैं, पर खरीदने का प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है इश्यू प्राइस से, जिसकी वजह से ये थोड़े से फिक्स डिपॉजिट से अलग हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चर्चा आगे करेंगे, पर फिर जस्ट इसे वन क्वेश्चन मेरे को ना, आप अलाउ कीजिएगा, बीच बीच पे मैं आपको तंग करूंगा क्वेश्चंस के साथ। अब नीचे वाला ही लाइन देखते हैं कि किसी ने अगर 105 में लिया है और उसको 6 रुपए के कूपन्स भी मिल रहे हैं और 4 साल बाद उसको 100 रुपया भी मिल गया, तो उसका तो सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया विजाविज जो नीचे है, जो 95 में जिसने लिया है। नहीं, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। जिसने 95 में लिया होगा 100 में, तो उसको 5 रुपये वैसे मिल गए और 6 रुपए के कूपन भी मिल गए, तो ये कैसे हो सकता है? परफेक्ट। सो विवेक, ये आइडियली मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला था, पर थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन यही पूछ लिया तो ये इसे यही डिमिस्टिफाई कर देते हैं। तो जी सबसे जी पहले तो विवेक, मार्केट में आपने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा कि लोग कंफ्यूज्ड है कि ये यील्ड्स ऊपर जा रही है, यील्ड्स नीचे जा रही है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, ये चीज क्या है? तो ये अब मैं आपको आपके इस वाले क्वेश्चन से डीमिस्टिफाई कर दूंगा। या तो अब मान लीजिए ओरिजिनली बॉन्ड इशू किया गया था 100 रुपए पे 5 साल के लिए और वो 6% कूपन दे रहा था, तो आपको 6 मिलते 5 साल के लिए, ओके, और मच्योरिटी पे 100 मिलता। पर एक साल बाद किसी एक कारण, और वो कारण क्या है और वो कैसे वर्क करेगा इस पे भी हम आएंगे,
ये बॉन्ड आपको 95 रुपीज में मिल रहा है 1 साल बाद, तो अब सिर्फ चार जी साल बाकी है, तो जी आपको 4 साल के लिए 6% मिलने वाला है और जी मच्योरिटी पे 100 मिलेगा। अब इसका जी मतलब ये है कि किसी एक रीजन की वजह से, वो रीजन क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, आपको ये बॉन्ड अगर मार्केट में 95 पे मिल रहा है और आपने अगर इसे 95 पे खरीद लिया, तो आपको 6% या 6 रुपए कूपन तो 4 साल मिलेगा ही, पर आपको कैपिटल गेन्स भी मिलेगा। 95 में खरीदा हुआ बॉन्ड 100 रुपए पे बिकेगा तो आपको 6% 4 बार मिला, प्लस आपको 5% एडिशनल मिला। इसकी वजह से आपको बॉन्ड का कूपन जो 6% था, पर आपको रिटर्न मिला 6.5%। इस रिटर्न को जो 6.5% है, क्योंकि आपको 5 रुपए का कैपिटल गेन ज्यादा मिला, इस रिटर्न को आप यील्ड कहते हो। तो ओके यील्ड का मतलब है कि आप जब भी बॉन्ड खरीदेंगे और अगर आप उसे मच्योरिटी तक होल्ड करें, तो आपको एक्चुअल रिटर्न कितना मिला उसे आप यील्ड कहते हैं। तो आप ओके देख देख कि अगर मैं ये इस बॉन्ड को यहां खरीदता इश्यू पे और अगर उसको मच्योरिटी तक होल्ड करता, तो मुझे कूपन भी 6 मिलता और मेरा यील्ड भी 6 होता, क्योंकि मैंने 100 पे लिया, 100 पे मच्योरिटी हुई। पर अगर मैं इसको बीच में खरीद रहा हूं और 95 पे, तो मुझे कूपन तो 6 रुपया ही मिल रहा है हर साल, पर क्योंकि मुझे 5 रुपए का कैपिटल गेन्स हो रहा है, मेरा नेट रिटर्न, मेरा एक्चुअल रिटर्न 6 से ज्यादा है, 6.5, तो यहां मेरा यील्ड हो गया 6.5। और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर मैं इसी बॉन्ड को 105 रुपए पे खरीदू मार्केट में, तो मुझे हर साल 6 रुपए मिलेंगे, करेक्ट? मच्योरिटी पे 100 वापस मिलेगा, राइट? अब मुझे कूपन तो 6 मिल रहा है, राइट? पर मुझे एक्चुअल रिटर्न क्या मिलेगा? मुझे एक्चुअल रिटर्न 5 रुपया कम मिलेगा, इसलिए मेरा एक्चुअल रिटर्न 6 से कम होगा अगर मैं उसे आज खरीदूं और मच्योरिटी तक होल्ड करूं, राइट? फिर तो कूपन 6 है और यील्ड 5.5 है। तो ये डिफरेंस है कूपन में और यील्ड में। कूपन का मतलब है हर साल जो मिलेगा, यील्ड का मतलब है आज अगर मैं खरीदूं और मच्योरिटी तक होल्ड करूं, तो मुझे एक्चुअल रिटर्न कितना मिलेगा। और विवेक, जब भी कोई मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर या नीचे जाएंगे उसकी बात करते हैं, तो ये इंटरेस्ट रेट टिपिकली रेपो रेट होता है, ओके राइट? तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों सेम नहीं है। कूपन मतलब हर साल जो मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मतलब सेंट्रल बैंक जो रेट ऊपर नीचे करती है, और यील्ड हाँ मतलब आज अगर आप खरीदेंगे और मच्योरिटी तक होल्ड करेंगे, तो एक्चुअल रिटर्न कितना है, ओके ओके राइट? सो आई होप ओके ये दो चीजें एब्सोल्युटली क्लियर ये है। थोड़ा बहुत समझ में आया है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं तो और क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। परफेक्ट। सो फिक्स्ड इनकम में जो भी आप देख रहे हो, वो सब फिक्स्ड कूपन या फिक्स्ड इंटरेस्ट देने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये ट्रेड होते हैं, तो उनके प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, अच्छा ये ट्रेड कहाँ इसीलिए। होते हैं? सो ये ट्रेड ऐसे ही एक्सचेंज पे होते हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही एक्सचेंजेस पे NSE और CCIL पे ये प्रोडक्ट्स ट्रेड होते हैं, जहां पर इसे आप खरीद सकते हो, आप बेच सकते हैं, हम लोग राइट? भी कर सकते और हैं रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं विवेक। तो अभी तक ये हो रहा था कि मनी हाँ मार्केट रिटेल इन्वेस्टर्स को बाइंग सेलिंग करना अलाउड नहीं था, हाँ राइट? और यहां पर भी आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट्स में तो आप बाई सेल कर सकते हो या कर सकते थे पहले भी, पर विवेक चैलेंज 3-4 थे। सबसे पहला चैलेंज ये था कि लोगों को ये कहां बाई सेल करना है वो नहीं पता था। अब थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स, ये जो जीरो ब्रोकर्स आ गए या डिजिटल ब्रोकर्स आ गए, आप उसे जो भी कहे, उन्होंने ये थोड़ा सा इजी कर दिया है लोगों के लिए बाई सेल करना। तो ये अब पता तो चल रहा है लोगों को कि आप ब्रोकर्स के थ्रू बाई सेल कर सकते हैं, पर इसमें दो तीन दूसरी चैलेंजेस है विवेक। सबसे पहले चैलेंज ये है कि इनकी टिकट साइजेस थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर आप मान लीजिए किसी एक डिबेंचर को सेकेंडरी मार्केट से खरीदने की कोशिश करें, तो उसमें ज्यादातर मिनिमम टिकट साइज है 10 लाख रुपए, राइट? ओ वो एक टिकट साइज थोड़ी सी मोटी है, इसलिए लोगों को
ट्रांजैक्शन में मुश्किल होगी। सेकंड जो उसके मेजर प्रॉब्लम है विवेक, इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। तो ये ओके इक्विटी मार्केट की तरह नहीं है कि अगर आप एक्सचेंज पे जाके लिखेंगे कि मुझे रिलायंस का एक बॉन्ड खरीदना है तो सामने 25 लोग बैठे हैं उसे बेचने के लिए। हाँ तो ये हाँ ज्यादातर मार्केट ओटीसी है, राइट? आप किसी एक ब्रोकर को पकड़िए जो बॉन्ड्स में ट्रेड करता है, आप उस ब्रोकर को कहिए कि मुझे ये बॉन्ड खरीदना है, वो कहीं से वो बॉन्ड अरेंज कर कर आपको दे देंगे, राइट? हाँ तो प्रॉब्लम फिक्स इनकम में ये है कि लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम है, ये उतने पॉपुलर प्रोडक्ट्स नहीं है, लोगों को पता नहीं है कहाँ से खरीदने चाहिए, टिकट साइज थोड़ी सी ज्यादा है और स्पेसिफिकली लिक्विडिटी बहुत कम है इन प्रोडक्ट्स में खरीदने के लिए। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर फिक्स्ड इनकम में एक्सपोजर लेना है विवेक, तो आई थिंक द बेस्ट वे टू टेक एक्सपोजर इज इन्वेस्ट थ्रू अ म्यूचुअल फंड, राइट? ओके क्योंकि ओके म्यूचुअल फंड में होता यह है कि मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए है विवेक, अगर आप डायरेक्टली एक सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड खरीदेंगे तो आपका पूरा 10 लाख रुपए एक बॉन्ड में चला गया, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, राइट? प्लस आपको पता नहीं है कि ये बॉन्ड्स कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब खरीदू, कब बेचू, बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट? तो बेस्ट वे टू टेक एक्सपोजर टू फिक्स्ड इनकम मार्केट्स मेरे हिसाब से इस आप एक म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर लीजिए। क्यों? ओके अब मैं आपको एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट दिखाता हूँ जो थोड़ा सा क्वेश्चन का ये आंसर सॉल्व कर सकती है। अब आप देखिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है विवेक, राइट, और अगर आपके पास 10 लाख रुपए है इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो अगर आप ये कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दे तो अब आप देखेंगे कि आपके 10 लाख रुपए कैसे तकरीबन 40 या 50 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से आपका एक्सपोजर एक पर्टिकुलर बॉन्ड से बहुत कम हो जाएगा। तो मान लीजिए कल उठ के एक लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, DHFL, IIFL जैसी कोई भी सिचुएशन आती है, तो आपने तो 10 लाख रुपए ये 50 अलग अलग बॉन्ड्स में निवेश किए हैं, तो उसमें से अगर एक आधा बॉन्ड डिफॉल्ट हो जाता है किसी वजह से तो आपका पूरा पैसा नहीं डूब जाता है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से आपको बहुत एक एडवांटेज होगा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वो आपका 10 लाख रुपए बहुत सारे बॉन्ड्स में लग जाता है। सेकेंड, उन्हें पता है कि कौन से बॉन्ड्स खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी फिक्स्ड इनकम स्पेस की रिटेल इन्वेस्टर्स से ज्यादा है। जी अब म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा सा समय स्पेंड करेंगे विवेक, या कोशिश होगी समझाने की कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप एक डेट म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें। देखिए, मार्केट में 500 ऑप्शंस हैं। आपको अगर आज किसी एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप इंडिपेंडेंटली किसी और की हेल्प के बगैर कैसे वो सिलेक्ट कर पाएंगे, ये अगले 15-20 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश रहेगी विवेक। पर जी सर आगे बढ़ने उसके पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रेटिंग्स लिखी है, तो हम रेटिंग समझने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स लिखे जैसे एवरेज मच्योरिटी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यील्ड टू मच्योरिटी, हम ये सब कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे जिसे हमें म्यूचुअल फंड्स स्पेसिफिकली डेट म्यूचुअल फंड्स कैसे ऑपरेट करते हैं ये समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जी अब जब मैं म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, राइट, म्यूचुअल फंड्स में 16 अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है डेट फंड में। कुछ फंड्स है जिनका नाम ओवरनाइट है, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, ऐसे 16 अलग अलग कैटेगरीज है। अब ये 16 अलग अलग कैटेगरीज विवेक, तीन सेबी ने तीन डेफिनेशंस दी है, उन डेफिनेशंस के बेसिस पे ये 16 कैटेगरीज अलग अलग हिस्सों में डिवाइड की है। अब एग्जाम्पल, ओवरनाइट फंड में अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, मच्योरिटी इन वन डे, इसका मतलब कि ओवरनाइट फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो ओवरनाइट फंड को कंपलसरी ऐसे बॉन्ड्स खरीदने हैं जो एक दिन में मच्योर होंगे। ओके अब ऐसे कौन से बॉन्ड्स होंगे आप पूछेंगे, तो अब याद कीजिए हमने CVLO का जो डिस्कशन किया था, तो म्यूचुअल फंड्स एक दिन के लिए पैसा पार्क कर देते हैं या किसी बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को या दूसरे म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट का मेन इस्तेमाल ओवरनाइट फंड्स में होता है। ओके तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो मच्योरिटी के बेसिस पे डिफाइंड है, जैसे आप देखेंगे लिक्विड फंड भी मच्योरिटी के बेसिस पे डिफाइंड है,
मनी मार्केट फंड भी मैच्योरिटी के बेसिस पे डिफाइंड है। तो ये तीन फंड्स मैच्योरिटी के बेसिस पे डिफाइंड है। दूसरा अच्छा डेफिनेशन है ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन को मैं थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, पर बहुत सारे फंड्स है जो ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म। तो देखिए यहाँ पर इन्हें कहा गया है कि आपका ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच में होना चाहिए। तो मीडियम टर्म को कहा गया है कि आपका ड्यूरेशन 3 से 4 साल के बीच में होना चाहिए। और ऐसे ही एक बॉन्ड फंड है, डायनामिक बॉन्ड फंड, जिसको कहा गया है कि आप कुछ भी ड्यूरेशन रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो बहुत सारे फंड्स हैं जिसे ड्यूरेशन के बेसिस पे एलोकेट किया गया है। और तीसरे टाइप के फंड्स है विवेक, जिसे क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे एलोकेशन की गई है। जैसे आप देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, जिसमें कहा गया है कि आपके 80% पैसे हाईएस्ट रेटेड क्रेडिट रेटेड फंड्स में लगने चाहिए। अब क्योंकि हमने क्रेडिट रेटिंग क्या है वो नहीं समझा है, इसे भी मैं थोड़ी देर में डिमिस्टिफाई करूंगा। पर द पॉइंट इज कि 16 कैटेगरीज है अलग अलग डेट की। तीन रीजन से ये सब फंड्स एक दूसरे से अलग है, उनकी मैच्योरिटीज, उनका ड्यूरेशन और उनके क्रेडिट रेटिंग। ये तीनों हम थोड़ी ही देर में समझेंगे। ओके, सो ये क्लासिफिकेशन सेबी ने डिफाइन किया है क्या? यस, ये क्लासिफिकेशन सेबी ने डिफाइन किया है। जैसे इक्विटी में होता रहा था विवेक कि फंड कहते थे कि मैं एक लार्ज कैप फंड हूं, पर क्योंकि आज से 2 साल पहले तक लार्ज कैप की कोई डेफिनेशन नहीं थी तो फंड्स कुछ भी करते थे अपने हिसाब से इन द डिस्गाइज ऑफ इट बीइंग अ लार्ज कैप फंड। तो सेबी ने 2018 में कुछ रूल्स लाए जिसकी वजह से उन्होंने कह दिया कि आप लार्ज कैप कहोगे तो पहले 100 स्टॉक्स, मिड कैप कहोगे तो 101 से 250 स्टॉक्स और स्मॉल कैप कहोगे तो 250 के नीचे। वैसे ही फिक्स्ड इनकम स्पेस भी उन्होंने ये कैटेगरी कर दी थी कि फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, जो नाम दिया गया है उस फंड का, उस फंड के दायरे में ही रहे। गॉट इट, राइट? ओके, सो नाउ गोइंग स्लाइटली अहेड, ये सब फंड्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किए गए। हम वो तीनों हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे, पर सबसे पहले ये डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे विवेक कि अगर आपको पैसा लगाना है डेट में, म्यूचुअल फंड में, इन 16 कैटेगरीज में से आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में मुझे पैसा लगाना चाहिए, राइट? इसका सबसे पहला आंसर विवेक एक सिंपल सिंपल थॉट प्रोसेस के तरीके से दूंगा, जिसमें आपको डेट फंड की कोई भी टेक्निकलिटी जानने की जरूरत ही नहीं है। ओके, वो कैसे? तो मान लीजिए अगर आप एक बैंक में जाते हैं और उस बैंक में आप जा रहे हैं क्योंकि आप 2 साल का फिक्स डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 2 साल का फिक्स डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जा रहे हैं तो बैंक तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे ना फिक्स डिपॉजिट के, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। आप कौन सा फिक्स डिपॉजिट चूज करेंगे विवेक अगर आपको 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है पैसा? 2 साल का मैच्योरिटी, एब्सोल्युटली। तो वो फंड सिलेक्शन उतना सिंपल है। तो अगर आपको 2 साल के लिए पैसा निवेश करना है तो आपको एक ऐसा फंड ढूंढना है जिसकी एवरेज मैच्योरिटी 2 साल है। अब एवरेज मैच्योरिटी का मतलब क्या है? एवरेज मैच्योरिटी का मतलब है, अब आप देखिए यहां पर एवरेज मैच्योरिटी का मतलब है, आप देखेंगे यहां पर लिखा है एवरेज मैच्योरिटी 51 डेज, राइट? ऐसे हर फंड की फैक्टशीट में एक एवरेज मैच्योरिटी दी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब बॉन्ड्स में जो पैसा निवेश किया है उसका वेटेड एवरेज बेसिस पे इस फंड की मैच्योरिटी कब होने वाली है। तो अगर मैं इस फंड को देख रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि इस फंड की मैच्योरिटी तकरीबन 60 दिनों में होने वाली है। राइट। इस फंड में आपको पैसा तभी लगाना चाहिए जब आपको मिनिमम 50 से 60 दिन का निवेश करना है। समझ गया मैं। राइट। वैसे ही अगर टेक्निकली एकदम करेक्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको मान लीजिए 1 हफ्ते की निवेश करनी है, राइट?
आप ओवरनाइट फंड में पैसा लगाएंगे, राइट? अगर आपको 3 महीने तक की निवेश करनी है तो आप लिक्विड फंड में पैसा लगाएंगे, अगर आपको 3 साल तक निवेश करना है तो आप शॉर्ट टर्म फंड में पैसा लगाएंगे, अगर आपको 7 साल तक निवेश करना है तो आप लॉन्ग टर्म फंड में पैसा लगाएंगे, राइट? तो अगर और जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में चूज करते कि अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो 2 साल वाला फिक्स डिपॉजिट ले लोगे, एग्जैक्टली वैसे यहां पर फिक्स इनकम इन्वेस्टिंग होती है। आपको जितने साल तक इन्वेस्ट करना है आपको देखना पड़ेगा कि फंड की एवरेज मैच्योरिटी आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच हो जाए, आपको उस वाले फंड में निवेश करना है। ओके, गॉट इट। अब विवेक, ये तो बहुत सिंपल हो गया। अगर काश फंड सिलेक्शन इतना इजी होता तो डिफिकल्टी नहीं होती या टेक्निकलिटी समझने की जरूरत ही नहीं होती, पर ये एक बहुत ही बेसिक थॉट प्रोसेस है कि अगर आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। बट आई टेल यू अ चैलेंज। मान लीजिए मुझे मुझे 60 दिन के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैंने देख लिया कि मैच्योरिटी अप टू 91 डेज, तो 60 दिन यानी मैं लिक्विड फंड में पैसा लगा दूंगा, राइट? अब मार्केट में 44-45 AMCs है, हर किसी का एक लिक्विड फंड है। अब चैलेंज ये है कि मुझे चूज करना है कि मैं 40 या 45 लिक्विड फंड्स में से कौन सा वो फंड है जिसमें निवेश करूं, जी, राइट? क्योंकि हर फंड एक दूसरे से अलग होगा और मुझे तो बेस्ट फंड चाहिए और रिस्क कम रखना है, जी, राइट? अब वो समझने के लिए यू विल हैव टू अंडरस्टैंड थोड़े से इन फंड्स की थोड़ी सी टेक्निकलिटीज। अगर आप देखेंगे यहां पर हमने कहा था कि इन फंड्स में मॉडिफाइड ड्यूरेशन करके कुछ होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी करके कुछ होता है, इन फंड्स में ऐसे क्रेडिट रेटिंग्स दी जाती है, राइट? तो अब अगर हमें थोड़ा सा टेक्निकल समझना है कि इन 40-50 स्कीम्स में से कौन सी एक स्कीम में पैसा निवेश करना चाहिए, तो हमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करने के लिए रिस्क क्या क्या है ये समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, रिस्क बहुत सारे है विवेक, पर दो प्रोमिनेंट रिस्क जो है वो है क्रेडिट रिस्क और वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क, राइट? अब ये दोनों रिस्क हर फंड में इन्वेस्ट करने पे आते ही है। कुछ फंड में ज्यादा होगा ये रिस्क, कुछ फंड में ये रिस्क कम होगा। अब ये रिस्क है क्या, तो वापस फैक्टशीट पे लेके जाता हूँ। फैक्टशीट पे देखिए कुछ रेटिंग्स दी गई है यहाँ पर, कुछ में लिखा है SOV, कुछ में लिखा है A1+। तो ये हमें बताता है कि जिस प्रोडक्ट में हम निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें रिस्क कितना है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रिस्क का मतलब है कि मैं अगर इस पर्टिकुलर बॉन्ड में पैसा लगा रहा हूं तो पैसा मेरा वापस आएगा या नहीं, या ये कंपनी आज कितनी स्टेबल है, ये जानकारी मुझे उस कंपनी की क्रेडिट रिस्क देखकर पता चलती है। ओके, अभी क्रेडिट रेटिंग्स कौन देती है, तो ये जो भी कंपनीज है, बैंक्स है जो मार्केट में आती है पैसा बोरो करने के लिए आपसे, इन्हें किसी एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी के पास जाकर क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है। तो आप देखेंगे हर बॉन्ड में, आप देखेंगे हर बॉन्ड में जिसमें म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, हर बॉन्ड की एक क्रेडिट रेटिंग है, राइट? क्योंकि इन सब को कंपल्शन है कि वो मार्केट में जाके किसी एक थर्ड पार्टी से क्रेडिट रेटिंग लेके आए। ओके, अब ये क्रेडिट रेटिंग को समझना थोड़ा सा जरूरी है। क्रेडिट रेटिंग को मैं वापस उन्हीं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक मनी मार्केट जिसमें आप 1 साल से ऊपर की लेंडिंग नहीं कर सकते, और दूसरा लॉन्ग टर्म, राइट? तो जब आप मनी मार्केट की बात करेंगे विवेक, तो उसमें रेटिंग ऐसे की जाती है A1+, A1, A2+, A2, A3, उसमें एक नंबर होता है, राइट? जैसे देखिए आप 1, 2, 3, 4, राइट? तो कहीं पर भी आपको नंबर दिखेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम वाली इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप इस फैक्टशीट में देखिए,
आप देखिए A1 प्लस, A1 प्लस, A1 प्लस, हर जगह पे या आपको A1 प्लस दिख रहा है। यानी या ये या पूरी इन्वेस्टमेंट, ये पूरी इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में की गई है, राइट? या जिसमें सबसे बेहतरीन रेटिंग को A1 प्लस दिया जाता है। इसका मतलब है ओके अगर आपके बॉन्ड फंड की रेटिंग या बॉन्ड की रेटिंग A1 प्लस है, इसका मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का ये मानना है कि ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट में से एक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंड्स या ये बॉन्ड डिफॉल्ट में ही होंगे। इसका मतलब ये है कि इसकी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, ओके राइट? वैसे ही अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, राइट, तो उन्हें रेटिंग की जाती है ऐसे, ट्रिपल ए, A1, डबल ए प्लस, डबल ए माइनस, ए प्लस, ए माइनस, ट्रिपल बी प्लस, ट्रिपल बी माइनस, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? इसमें ट्रिपल ए का मतलब है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मानना है कि ये बेस्ट क्रेडिट रेटेड कंपनी है और उसकी डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी हल्की सी कम है। और जैसे ही आप रेटिंग्स में नीचे जाते जाते हैं विवेक, राइट, डबल ए से ट्रिपल ए से डबल ए प्लस, फिर डबल ए माइनस, फिर ए प्लस, ए माइनस, वैसे ही आपके कंपनी की कॉन्फिडेंस लेवल या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। मार्केट में ऐसा माना जाता है कि डबल ए माइनस तक रेटिंग बहुत अच्छी है और उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डबल ए माइनस के नीचे वाली रेटिंग्स थोड़ी सी आ, 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 टेक्निकली या मार्केट लैंग्वेज से थोड़ी सी रिस्कियर कैटेगरी में मूव करना चालू हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर A1 प्लस सबसे बेहतरीन है, और अब जैसे ही नीचे चले जाओगे वैसे उन रेटिंग्स के सामने आपको पता चलते जाएगा कि बॉन्ड ये कितना रिस्की है, राइट? और वैसे ही एक तीसरी रेटिंग होती है विवेक, जिसे आप कहते हो SOV, यहां पर दिखेगी, राइट? SOV का मतलब है सॉवरन, यानी वो पैसा गवर्नमेंट के किसी पेपर में डाला गया है। वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, राइट? तो अब कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप जब भी किसी भी एक फंड की फैक्ट शीट पढ़ेंगे तो आपको ये देखना है कि कितना पैसा सॉवरन में गया है, कितना पैसा ट्रिपल ए डबल ए माइनस में गया है, और कितना पैसा A1 प्लस में गया है, जिससे ओके आपको पता चलेगा कि ये सबसे बेहतरीन बॉन्ड्स में पैसा लगाया गया है। जैसे ही राइट आपको पता चले कि पैसा इन किसी क्रेडिट रेटिंग्स में लगाया गया है, ए प्लस, ए माइनस और उसके नीचे, या A1 प्लस, सॉरी A1 और उसके नीचे, उतनी उस फंड में क्रेडिट रिस्क ज्यादा है। गॉट इट पहली लर्निंग है विवेक, राइट? और ये कहाँ दिखेगा वो हम थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये जी फंड्स में कहाँ आप इसे देख पाओगे। तो पहला ये, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि दो टाइप की रिस्क समझने की कोशिश करेंगे, एक तो है क्रेडिट रेटिंग्स जो हमने समझा, और दूसरा है इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, राइट? इंटरेस्ट रेट रिस्क जो आप आज भी मार्केट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं विवेक, इंटरेस्ट रेट रिस्क का मतलब है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नीचे जाने की वजह से, राइट, बॉन्ड की वैल्यू ऊपर नीचे जाती है या यील्ड्स ऊपर नीचे। अब इसे थोड़ा सा डीमिस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा हुआ है, पर इसे थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, वापस वही एग्जाम्पल दूंगा कि मान लीजिए आपने एक बॉन्ड में पैसा लगाया है जो बॉन्ड 3 साल के लिए है, ओके? वो आपको 6% कूपन दे रहा है, पहले साल 6 मिलेगा, दूसरे साल 6, तीसरे साल 6, और आपको 100 रुपए की आपकी मैच्योरिटी वापस मिल जाएगी। पर एक साल बाद, ओके, अब सिर्फ 2 साल बचे हैं बॉन्ड्स बॉन्ड के, राइट? मान लीजिए ये पेपर हमें मार्केट में 95 रुपीज पे मिल रहा है, तो विवेक अभी भी बचे हुए 2 साल के लिए हमें कितना कूपन मिलेगा, राइट? 6% हमें 6 और 6 मिलेगा, और जी मैच्योरिटी पे
सौ। 100, तो हमारी यील्ड कितनी हो गई? कूपन से ज्यादा, तो हमारी जी यील्ड हो गई 6.5, करेक्ट। ओके अब आप देखिएगा, ये चल रहा है डिस्कशन मार्केट में, राइट? क्या चल रहा हाँ है डिस्कशन मार्केट में? मार्केट में ये कहा जा रहा है कि यील्ड्स बढ़ रही है, हाँ ओके? अब आप एक रिलेशनशिप देखिए, यील्ड्स कब बढ़ती है? यील्ड्स तब बढ़ती है जब प्राइस गिरता है। यील्ड्स कब अच्छा बढ़ी? यील्ड्स आपकी कूपन, आपके हाँ कूपन 6% था, राइट? हाँ हाँ वो बढ़कर 6.5, आपको अगर आप होल्ड करते तो 6% मिलना था, हाँ करेक्ट? पर हाँ हाँ आपको क्यों 6.5% मिलने लगे? आपकी यील्ड क्यों बढ़ गई? क्योंकि बॉन्ड गिर रहा है मार्केट में, बॉन्ड की वैल्यू गिर रही है मार्केट में, ओके राइट? इसीलिए टेम्पररी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए टेम्पररी इसे इंटरेस्ट रेट भी लिख देता हूं विवेक। सेम चीज नहीं है ओके पर मैं फिर भी लिख रहा हूं, हाँ क्योंकि हाँ समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। हाँ इसलिए कहा जाता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड बढ़ रहे हो तो आपके बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी या आपके डेट फंड की एनएवीज गिर जाएगी, ओके? ओके ओके और विवेक, इसका इनवर्स भी ट्रू है। ओके मान लीजिए अगर अगर 100 वाला बॉन्ड मार्केट में किसी रीजन की वजह से 105 में ट्रेड हो रहा है, 2 साल बचे, तो हमें कूपन अभी भी 6 रुपए 6 रुपए मिलेगी, मच्योरिटी पे 100 रुपया मिलेगा, तो अब हमारी यील्ड कम हो जाएगी, राइट? 5.5। तो अब आप देखिए, क्योंकि आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, यील्ड्स कम हो गई, राइट? इसीलिए कहा जाता है कि जब यील्ड्स नीचे जा रही है या इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे हैं, आपके बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, इसलिए आपके डेट फंड्स के एनएवीज बढ़ जाते हैं। ओके ओके इसलिए ऐसा माना जाता है विवेक, राइट, मार्केट में कि बॉन्ड की वैल्यू यील्ड से इनवर्सली रिलेटेड है। तो जब भी आप ओके देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, आपके बॉन्ड फंड्स की या बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाएगी, और कभी भी इंटरेस्ट रेट्स जब नीचे जाते हैं या यील्ड्स नीचे जाती है, आपके उसका मतलब यह है कि आपके बॉन्ड फंड्स की वैल्यू या बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जा रही है। सर कीर्तन, विवेक मेरा एक जी, प्रश्न है इसमें। तो अगर हाँ मुझे अभी लग रहा है कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, जो कि लोग भी कह रहे हैं कि यूएस का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और इंडिया में भी इन्फ्लेशन आ रहा है जिसके कारण इंटरेस्ट रेट में एक बढ़ोतरी मिल सकती है, तो मुझे तो बॉन्ड फंड से पैसे निकाल लेने चाहिए बिकॉज प्राइसेस तो नीचे जाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट विवेक, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, राइट? कि अब अगर आपको लग रहा है कि यील्ड्स बढ़ने वाली है मार्केट में, ओके, और यील्ड्स यहां से ऊपर जाएगी या यील्ड्स बॉटम आउट हो गई है, तो डेफिनेटली आपको जो पिछले 3 सालों में डेट फंड्स ने जो रिटर्न दिए थे जब इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे थे मार्केट में, उतनी बढ़ोतरी या तेजी अब डेट में नहीं दिखेगी। इसीलिए आप ओके देखिए, इसीलिए आप सुनेंगे कि फिक्स्ड इनकम प्रोफेशनल्स बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि बॉन्ड की रैली या बॉन्ड मार्केट की रैली खत्म हो चुकी है। तो ओके अगर आप ओके देखेंगे, कि पिछले 3 सालों में बॉन्ड्स रैली कर रहे थे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहे थे। तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा रहा था, वो 100 रुपए वाला बॉन्ड आपको 105, 110, 120 में बिक रहा था, इसलिए पिछले 3 सालों में रिटर्न्स बॉन्ड्स में काफी अच्छी बनी है। पर अब अगर आपको लग रहा है यील्ड या इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं, तो बॉन्ड की वैल्यू जो आज 100 है, वो शायद 98, 99, 95 हो सकती है। इसीलिए आपको फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टिंग करने में थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट? ओके गॉट इट अब गॉट इट आपको केयरफुल रहना है, पर आपको कैसे समझेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं और मेरी बॉन्ड की वैल्यू नीचे जा रही है, तो अब इस सिचुएशन में मैं कैसे इन्वेस्टिंग करूं? कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा बॉन्ड लेना चाहिए या कौन सा मुझे डेट फंड चूज करना चाहिए जिसमें मेरा पैसा टूटे ना? कम बने वो चलेगा पर टूटे ना। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है विवेक, जिसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहा जाता है, ओके? ओके ओके
अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या है, मैं थोड़ा सा राइटिंग पैड वापस यूज करूंगा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए विवेक। अब मान लीजिए दो बॉन्ड्स आपको दिए गए हैं, एक बॉन्ड जो 5 साल में मच्योर होने वाला है और एक बॉन्ड जो 10 साल में मच्योर होने वाला है। ओके राइट, दोनों में इंटरेस्ट रेट 6% है और दोनों में आपको 100 रुपये आपने निवेश किए हैं, तो हर साल आपको 6 रुपए मिलने वाले, मैच्योरिटी पे 100 वापस मिलेंगे और हर साल आपको 6 मिलने वाले हैं और मैच्योरिटी पे आपको 100 वापस मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हैं विवेक, तो हमने जी ये तो समझा, हमने ये समझा कि बॉन्ड्स की वैल्यू गिरेगी। ओके, पर हमें ये भी पता है कि ये 5 साल वाला बॉन्ड भी गिरेगा, ये 10 साल वाला बॉन्ड भी गिरेगा, करेक्ट? जी क्योंकि अगर जी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाले तो दोनों बॉन्ड्स गिरेंगे, पर अब हमें जानना यह है कि कौन सा वाला बॉन्ड ज्यादा गिरेगा, क्या 5 साल वाला बॉन्ड ज्यादा गिरेगा या 10 साल वाला बॉन्ड ज्यादा गिरेगा। जी ये समझने के लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है जिसे आप कहते हो मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ओके, अब मॉडिफाइड ड्यूरेशन टिपिकली एक पोर्टफोलियो का होता है, पर वो ओके कॉम्प्लिकेशन मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आपको ये पता चलता है विवेक कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं तो ये बॉन्ड कितने से गिरेगा और ये बॉन्ड कितने से गिरेगा। सो ओके लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसे आप इक्विटी में जैसे बीटा समझते हो, राइट? हाँ इक्विटी में जैसे बीटा होता है वैसे ही डेट फंड्स में मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता है। अच्छा तो मान अच्छा लीजिए ये 5 साल वाले बॉन्ड का और ये 10 साल वाले बॉन्ड का, 5 साल वाले बॉन्ड का मान लीजिए मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2 साल है ओके और 10 साल वाले बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 साल है, ओके इसका क्या होता है? अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में 1% से बढ़ रहे हैं विवेक, तो हमें ये तो पता है कि बॉन्ड गिरने वाला है, हमें ये तो पता है कि बॉन्ड गिरने वाला है, पर कितने से गिरेगा? तो ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है, फंड का जितना भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन है आप उसे जितना भी इंटरेस्ट रेट चेंज होने वाला है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके एग्जैक्टली जैसे आप बीटा में करते हैं, ओके एग्जैक्टली जैसे आप बीटा में करते हैं, राइट? तो आपको मिल जाएगा 2%, राइट? इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जिसमें मुझे 6% कूपन मिलने वाला है या मिल रहा है, उसमें मुझे 2% का शायद पॉसिबल है कि कैपिटल लॉस हो, तो मेरा नेट रिटर्न इस फंड में 4% निकलेगा। अच्छा और एक कैलकुलेशन करता हूं जिससे थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी, पर ये वाला जो बॉन्ड है जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 साल है विवेक, उसमें लॉस कितना होगा? तो मैं कहूंगा 5 साल मॉडिफाइड ड्यूरेशन इंटू 8% इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, हाँ तो इस फंड में लॉस होगा 5%, तो मुझे नेट रिटर्न कितना मिलेगा? 6% माइनस 5%, मुझे इस फंड में 1% रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब विवेक इसमें दो चीज जानना बहुत जरूरी है, राइट? सबसे पहले, राइट, कि ये आपको समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे तो दोनों फंड या दोनों बॉन्ड्स गिरने वाले हैं, कौन सा बॉन्ड ज्यादा गिरता है? वो बॉन्ड ज्यादा गिरता है जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होता ओके ओके है, राइट? वो फंड कम गिरता है जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम होता है। देखिए आप, दो मॉडिफाइड ड्यूरेशन था तो ये सिर्फ 2% गिरा, पर इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन 5 था तो ये 5% गिरा। तो अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो बीटा की तरह आपके बॉन्ड में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ये गिरेगा भी ज्यादा और बढ़ेगा भी ज्यादा, सो ये मॉडिफाइड गिरेगा ड्यूरेशन इज कंपल्सरीली लिंक्ड टू कितना कितना टेन्योर का वो है. अगर 10 साल करेक्ट, का होगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा होगा, और छोटे टेन्योर का होगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम होगा, राइट? परफेक्ट परफेक्ट। ओके तो फंड अगर अगर आप देखेंगे लॉजिकली, आप जो कह रहे हैं वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आप मान लीजिए ये है फंड ए, ये है फंड बी। अब जैसे आपको अगर याद है,
हमने ये फैक्ट शीट देखी थी। इन फैक्ट हाँ शीट में मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिखा हुआ था, यील्ड टू मैच्योरिटी लिखा हुआ था, राइट। हाँ इसका करेक्ट मतलब है कि मान लीजिए इस फंड को अगर मैं खरीदता हूं, ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये मतलब क्या है। तो ये फंड ये बता रहे हैं आपको कि आज अगर इस फंड को आप खरीदेंगे तो आपको 6.42% रिटर्न मिलेगा। पर क्या 6.42% परपेचुअली मिलते रहेगा? द आंसर इज नो। उसके लिए आपको मिनिमम कितना होल्ड करना पड़ेगा? तो उसका आंसर है कि अगर फंड का एवरेज मैच्योरिटी 50 दिन है, राइट, तो अगर आप ये फंड 50 दिन तक होल्ड करेंगे तो हाँ आपको 6.42% एनुअलाइज रिटर्न मिल सकता है, राइट। अच्छा, गॉट इट। तो इसे आप समझिए कि फिक्स डिपॉजिट्स के दिन है, कितने दिन इन्वेस्ट करे रखना है, और इसे आप समझिए कि कितना रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप एवरेज मैच्योरिटी जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे विवेक, तो आपको YTM जितना रिटर्न मिलेगा। क्या ये मैं इजी गॉट कर पाया हूं? एकदम 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 ओके, परफेक्ट। अब समझते हैं कि मान लीजिए फंड ए का एवरेज YTM 7% है, फंड बी जी का 7% है, दोनों का जी 7%, और हाँ दोनों में मॉडिफाइड ड्यूरेशन विवेक एक में है 3 साल, थोड़े से नंबर अलग ले लेता हूं, और दूसरे में है 5 साल, ओके ओके। अब हम कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में 0.5% से बढ़ेंगे। जो एक थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहा हूं तो एक दूसरा फ्लेवर भी मिलेगा और लोगों को थोड़ी सी कॉन्फिडेंस भी आएगी कि हमने समझा है कि नहीं, राइट। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हम कह रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी आएगी, आपका थोड़ा सा लॉस हो सकता है, करेक्ट। कितना लॉस होगा, कितना लॉस होगा? तो अब आप कह रहे हो कि अगर फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 है, राइट, इनटू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, आपको 1.5% का लॉस होगा। ओके इसका मतलब आपको नेट रिटर्न कितना मिलेगा? 7 - 1.5, तो आपको 7 - 1.5, आपको अभी भी 5.5% ठीक रिटर्न। है पर फंड बी में, फंड बी में मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना है? 5 इंटू चेंज इन इंटरेस्ट रेट 5.5%, सॉरी 0.5%, तो यहां पर लॉस होगा 2.5% का। तो आपको मिलेगा 7 - 2.5, 7 - 2, 4.5 विच इज 4.5%। अब आप देखिए विवेक कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है तो हाँ एक फंड जिसमें मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है वहां पर आपको कम रिटर्न मिलेगा, और हाँ मॉडिफाइड ड्यूरेशन जहां पर कम है वहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है हाँ जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने वाले हो तो हाँ आपको लो मॉडिफाइड ड्यूरेशन में पैसा निवेश करना चाहिए। सही बात है। और इसका रिवर्स भी ट्रू है विवेक, अगर हाँ इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने वाले हो तो आपको हाँ हाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन में पैसा लगाना चाहिए। क्यों? मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने वाले हैं, इंटरेस्ट रेट 0.5% से नीचे जा रहे हैं, तो हमें पता है कि बॉन्ड फंड ऊपर जाएगा, कितना रिटर्न देगा? तो वो आप रिटर्न कितना देगा? 0.5 × 3। अब ये जो 1.5% है वो पॉजिटिव रिटर्न होगा, तो जी जी आपको 7 + 1.5, आपको 8.5% रिटर्न मिलेगा इस फंड में। पर ये जी वाले फंड में आपको 7 + 2.5, ढाई हाँ आपको 9.5% रिटर्न मिलेगा। तो सो जब भी बेसिकली इंटरेस्ट, बाजार बाजार अगर जैसे इक्विटी मार्केट में होता है, बाजार तेज लग रहा है तो हाई बीटा स्टॉक में पैसा डालो, परफेक्ट तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज द बीटा ऑफ बॉन्ड। वाह वाह क्या बात है, परफेक्ट, बहुत सही। लेकिन इसमें एक चीज है, दोनों में ओके। आपने 7% YTM अज्यूम किया है, तो इसका मतलब कोई भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन देख के खाली डिसीजन नहीं ले सकते, अपने को YTM भी देखना पड़ेगा। परफेक्ट। तो अब मैं आपको दो तीन चीजें यहां बताने वाला हूं। सबसे हाँ पहले तो क्योंकि मैंने आपको कहा यहां पर कि पॉसिबल है कि 1.5% का लॉस हो जाएगा और 2.5% का लॉस हो जाएगा, मुझे हाँ नहीं नहीं चाहिए कि लोगों को लगे कि ये एक्चुअल लॉस है। देखिए हाँ विवेक, ये
इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा अलग है। हाँ इक्विटी मार्केट में आपने 50 रुपए का स्टॉक ले लिया, 20 रुपया आ गया, राइट? हाँ तो इक्विटी मार्केट में जैसे ये टेम्पररी लॉस है, हाँ राइट, वैसे डेट मार्केट में भी ये टेम्पररी लॉस है। अच्छा मतलब मान लीजिए कि आपने फंड खरीदा 100, बॉन्ड खरीदा 100 रुपए में, और फिर उसकी वैल्यू 90 चली गई, और हाँ अब 2 साल है मैच्योरिटी को बाकी, विवेक, राइट? हाँ अब अगर आप बेच देंगे तो 90 मिलेगा, पर हाँ अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो 100 रुपया वापस मिल जाएगा, राइट? बरोबर है। तो ये जो 1.5% का लॉस मैं आपको बता रहा हूं, ये टेम्पररी है। अगर आप हाँ उसे बेच नहीं देते और हाँ मैच्योरिटी तक होल्ड करते, एवरेज मैच्योरिटी तक, हाँ राइट, तो ये लॉस नोशनल लॉस है, सिर्फ मार्क टू मार्केट लॉस। तो इसीलिए आप जो कह रहे थे कि एवरेज मैच्योरिटी तक होल्ड करना जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एवरेज मैच्योरिटी तक होल्ड करना सेक्रोसेंट है विवेक, तो तीनों राइट? पैरामीटर देखना पड़ेगा, एवरेज मैच्योरिटी, यील्ड टू यस, मैच्योरिटी और मॉडिफाइड ड्यूरेशन बिफोर यू करेक्ट, टेक अ डिसीजन ऑफ की करना कब है और निकलना कब है। परफेक्ट। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक क्विक राउंड ले लेते हैं जस्ट जी टू मेक श्योर कि सब लोग हमारे साथ हैं। तो हमने देखा कि ये अलग अलग इशुअर्स है जो अलग अलग बॉन्ड्स देते हैं। 1 साल से नीचे होगा तो आप उसे मनी मार्केट कहते हैं, 1 साल से ऊपर होगा तो आप लॉन्ग टर्म कहते हैं। फिर हमने देखा कि ये रेटिंग्स करके कुछ होता है, तो हमने देखा कैसे सॉवरेन, AAA, A1+ करके अलग अलग रेटिंग्स होती है, और किसमें कम और किसमें ज्यादा रिस्क होता है। फिर हमने जी देखा एवरेज मैच्योरिटी का मतलब है कि उतना समय तो आपको पैसा निवेश करे रखना है, जी राइट? मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमने समझा कि उसके बेसिस पे पता चलेगा कि फंड में कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉस कितना आ रहा है, और जी हमने समझा यील्ड टू मैच्योरिटी है कि अगर आप इतने समय तक पैसा होल्ड करके रखोगे तो इतना रिटर्न एक्सपेक्टेड है इस फंड में, राइट? समझ अब हमने म्यूचुअल फंड में जितनी बेसिक चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए वो हमने सीखी। अब जी आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर जी आपको पैसा निवेश करना है आज, आज अगर आपको पैसा निवेश करना है डेट फंड्स में, तो सबसे पहले उन 16 कैटेगरीज में से कैसे डिसाइड करेंगे कि किस कैटेगरी में पैसा लगाएंगे, और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी का वो फंड लेंगे, वो महाभारत अगले 10 मिनट में बहुत समझने ही की टफ कोशिश, डिसीजन। अगले 10 मिनट में वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक ओके, ठीक डन। ठीक सॉरी, मैंने थोड़ा सा शायद समय ज्यादा ले लिया है, पर नहीं, अरे समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप प्लीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और ये समझा दीजिए, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद इसका अपने को सेकंड वीडियो भी बनाना पड़ेगा आपके साथ, तो आप समय दे दीजिएगा प्लीज। वेरी हैप्पी टू डू इट। ओके, अब विवेक, कहां पर हमें निवेश करना चाहिए आज, उसके लिए कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। तो जी ये जो लाइन देख रहे हो आप, इसे यील्ड कर्व कहते हैं, जो जो आजकल बहुत सारे डिस्कशंस में है। यील्ड कर्व का यस मतलब बहुत सिंपल है। हाँ यील्ड कर्व आपको बताता है कि कौन से समय में अगर आप पैसा लगाते तो कितना रिटर्न मिलता, ओके मतलब क्या है। अब आप देखिए, अगर मैं कहूं 2004 में, 2004 में अगर आप गवर्नमेंट के, देखिए स्टॉक मार्केट में कैसे सेंसेक्स और निफ्टी होता है, वैसे ही हाँ डेट हाँ मार्केट में, डेट मार्केट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बॉन्ड होता है जिसे आप जीसेक कहते हैं, हाँ वो 10 साल का बॉन्ड होता है, ओके उसकी यील्ड को इंडेक्स माना जाता है। अच्छा ओके तो मार्केट मार्केट में जैसे लोग कहते हैं कि यील्ड इंडिया में 6.3 हो गया, 6.5 हो गया, 5.8 हो गया, वो 5.8 का मतलब क्या है? वो 5.8 का मतलब है कि आज अगर आप 10 साल वाले गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाएंगे और मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको 5.8 मिलेगा। 6.3 का मतलब क्या है? यील्ड बढ़ गई, 6.3 मतलब आज अगर पैसा निवेश करेंगे और मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो 6.3 मिलेगा। अब 5.8 था जो 6.3 हो गया, इसका मतलब क्या है? यील्ड ऊपर गई। अब आप सोचिए यील्ड कब ऊपर जाती है? जब बॉन्ड मार्केट्स गिरते हैं। गिरता है करेक्ट। इसका मतलब कि बॉन्ड मार्केट्स गिरे हैं, इसकी वजह से यील्ड 5.8 से 6.3 चली गई।
अब ये यील्ड कर्व का मतलब है, वो आपको दिखाते हैं कि कौन से समय पे आप अगर पैसा लगाते तो कितना रिटर्न मिलता गवर्नमेंट के 10 साल वाले बॉन्ड में। अगर आप 2004 में पैसा लगाते तो देखिए तो आपको तकरीबन 5.5% के आजू बाजू यील्ड मिलती। अगर 2018 के आजू बाजू पैसा लगाते तो 8% के आजू बाजू यील्ड। ये जी लाइन आपको सिर्फ वो एक चीज बताती है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है राइट। अब आप देखिए 25 साल में आप एक चीज नोट करेंगे कि ये यील्ड्स इंडिया में गिरते जा रहे जी हैं, करेक्ट। एक जी जमाने में, राइट, वो तकरीबन 14% के आजू बाजू थी, जी राइट, 14 साढ़े 14। आज जी देखेंगे आप वो 6.5% के आजू बाजू। तो जी सबसे पहली चीज आपको समझनी ये है कि यील्ड्स जब भी इकोनॉमी डेवलपिंग से डेवलप की तरफ मूव होती है यील्ड्स गिरते जाते हैं। अब जी यूएस में देख लीजिए आज यील्ड 1.5% के आजू बाजू, राइट। अब मोर इंटरेस्टिंगली अगले दो चार्ट से, अब आप ये 10 साल वाला चार्ट देखिए, आप 25 साल वाले चार्ट पे देखेंगे कि 14.5 की भी यील्ड थी, राइट। अब आप 10 साल वाला चार्ट देखिए, आप देखिए कैसे 2012 में यील्ड टॉप आउट हो गई थी 9% के आजू बाजू। देखिए 2013-14 में यील्ड टॉप आउट हो गई थी 9% के आजू बाजू। इसका मतलब पिछले 10 सालों में यील्ड 9% के आजू बाजू टॉप आउट हो गई है। और अब आप बॉटम आउट प्रोसेस देखिए यील्ड का। अब देखिए आप देखिए, मैं 2021 थोड़ा सा साइड में रखूंगा क्योंकि ये कोरोना वाला साल था, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं थी यील्ड की। जी आप देखिए 2017 में कैसे यील्ड 6-6.5% के आजू बाजू बॉटम आउट हो गई। अब जी देखिए वो सेम प्रोसेस सेकेंड हाफ 2019 के और 2020 में वही 6-6.5% के आजू बाजू बॉटम आउट हो गई। तो अब अगर आप पिछला 10 साल देखेंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि यील्ड्स एक रेंज में है, 9% ऊपर की साइड, 6.5% नीचे की साइड। जी पर जैसे हमने देखा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यील्ड्स गिरते रहती है, आप अब 5 साल का डेटा देखिए। अब आप 5 साल का डेटा देखिए विवेक, यील्ड्स कहाँ टॉप आउट हो गई, 8% के आजू बाजू। समझ जो गया 10 साल में 9% पे थी, वो 5 साल में 8% के आजू बाजू हो गई। अब आप बॉटम आउट प्रोसेस देखिए, ये देखिए 2017 में भी 6% के आजू बाजू, राइट। 2020 के सितंबर महीने में भी ये पूरा टाइम देख लीजिए आप, ये 6-6.5 के आजू बाजू था। अब ये कोरोना में उसने 5.5% के आजू बाजू का लो मारा है। अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यील्ड्स नीचे जाती है ये एक गिवन है, ठीक है। पर आप देखते जाएंगे कि ये जो पैटर्न फॉलो करते ना, ये यील्ड्स वो पैटर्न गिरते जाती है, टॉपिंग आउट बॉटमिंग आउट टॉपिंग आउट बॉटमिंग आउट, वो गिरते जाते हैं। लास्ट के 10 सालों में आपने देखा 9% टॉप आउट हुआ, 6% बॉटम आउट हो गया। 5 साल में आपने देखा 8% के आजू बाजू टॉप आउट हो गया, 5.8% के आजू बाजू बॉटम आउट हो गया। तो अब अगर मैं अगले 5 साल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता नहीं है, पर मैं ये एक चीज आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ, ये 8% और 5-5.5-6% के आजू बाजू टॉप आउट और बॉटम आउट। सही है। फिर अब उससे हमें क्या सीखने मिलता है, उससे हमें क्या सीखने मिलता है, ओके। अब सबसे पहला पॉइंट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पिछले 40 मिनट से हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसका बेसिक डिस्कशन है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो आई होप कि वो अब लोगों को सिंक में आए, समझेगा। अब हाँ आप देख, अब हम अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यील्ड 5.5 और 6% के आजू बाजू बॉटम आउट हो जाएगी अगले 3-5 साल के लिए, तो आप तो ऑलरेडी उधर पहुंच चुके हो। हाँ यील्ड हाँ ने 5.8 का बॉटम मारा था, वहां से ऑलरेडी वो 6.2 तक चला गया है, यानी यील्ड हाँ बॉटम हो चुकी है। यील्ड अगर बॉटम हो चुकी है तो यहां से ऊपर ही जाएगी। और हमने ये ड्यूरेशन में सीखा कि यील्ड जब ऊपर जाती है तो आपको लॉस होता है, जी तो आपको ड्यूरेशन कम रखना चाहिए। तो जी 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 फर्स्ट लर्निंग, आज कहां इन्वेस्ट करना है, मेरे हिसाब से आपको अपना ड्यूरेशन कम रखना।
हाँ अब मेक सेंस, ड्यूरेशन कब बढ़ाएंगे आप, ड्यूरेशन कब बढ़ाएंगे, जब यील्ड्स 8 साढ़े 8% पे टॉप आउट होंगे। हमने देखा अच्छा 25 साल, 10 साल, 5 साल, ये यील्ड जो बढ़ रही है ये एक साइकिल और पैटर्न फॉलो करती है। तो ये जी जैसे ही 8% और उसके ऊपर जाने लगेगी, ये टॉपिंग आउट प्रोसेस फॉर्म करेगी। तो तब जब वो टॉप आउट हो जाएगी, तब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन या हाई ड्यूरेशन फंड्स में पैसा लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां से जब यील्ड्स गिरना चालू करेंगे, तो यील्ड्स गिरेंगे तो आपकी बॉन्ड वैल्यू ऊपर जाएगी और आप फिक्स्ड इनकम में ज्यादा पैसा कमाएंगे। एक बार वो स्लाइड वापस से जहां पर 16 वो कैटेगरीज थी, एक बार वापस से वो स्लाइड दिखाइए ना। ये बहुत अच्छा आपने स्लाइड बना रखा है वो कैटेगरीज का। सो विवेक, उसी लर्निंग को इस कॉन्टेक्स्ट में डालने की कोशिश कर। आज यील्ड कर्व्स बॉटम आउट हो गई है, इसीलिए मुझे अपना ड्यूरेशन कम रखना है, करेक्ट? तो मैं शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स और उसके ऊपर ही इन्वेस्ट करूंगा। मैं ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट और शॉर्ट टर्म में ही इन्वेस्ट करूंगा, करेक्ट? या मैं बैंकिंग, पीएसयू फंड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स में निवेश कर सकता हूं, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, उनकी भी मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3 साल से कम होती ओके है, राइट? पर बाकी जो फंड्स आपको दिख रहे हैं, मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग, लॉन्ग ड्यूरेशन गिल्ड फंड्स, गिल्ड विद 10 ईयर कॉन्स्टेंट मच्योरिटी, ये सब फंड्स में निवेश नहीं करना है। तो ओके आज कौन से फंड्स में निवेश करना है आपको? ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, राइट? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, बैंकिंग पीएसयूस। गॉट अब इट। कहेंगे कि इसमें से कौन सी कैटेगरी में जाऊं, वो कैसे डिसाइड करूं? सिंपल, गोइंग बैक टू आवर इनिशियल लर्निंग, फिक्स डिपॉजिट, आपको कितने समय के लिए पैसा लगाना है उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे कि कहाँ निवेश करोगे। सही तो है। अगर आपको 6 महीने के लिए निवेश करना है, तो ये देखिए ड्यूरेशन 2 6 months, आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड चूज करनी है। आपको 3 साल के लिए निवेश करना है, तो देखिए ड्यूरेशन 1 से 3 साल, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप डिसाइड करोगे उसकी मच्योरिटी या ड्यूरेशन देखकर। गॉट विवेक, ये इट क्लियर, राइट? गॉट इट अब मान लीजिए मुझे इन्वेस्टिंग करनी है 1 साल के लिए, क्योंकि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, मैंने चूज कर लिया, मैं एक मनी मार्केट फंड में पैसा लगाना चाहूंगा। अब मार्केट में 30 35 मनी मार्केट फंड्स है विवेक, कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है? तो आखिर के 5 मिनट, बट मेरे हिसाब से उतने ही इंपॉर्टेंट है जो जितना पूरा सेशन का। कीर्तन, तो हम लोग ये पार्ट यहां खत्म कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट जिसमें ये सिलेक्शन प्रोसेस आप समझाएं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास ट्विटर में जो मैं आंसर देना चाहता हूं, तो इफ यू आर कंफर्टेबल वी कैन रिकॉर्ड अनदर पार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। आई एम एब्सोल्युटली ओके, योर कॉल मी बाय, वेरी चलो हैप्पी। ग्रेट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, तो लेट्स डू इट दैट वे ओनली। सो मैं आपसे कनेक्ट करता हूं एंड टेक योर टाइम फॉर पार्ट टू। और दोस्तों मजा बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आया है। मैं खुद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम किया हुआ हूं, मैंने शुरू में सीए के बाद में म्यूचुअल फंड में था, मैं जेएम फाइनेंशियल्स में था, और मैंने बॉन्ड मार्केट में बहुत बेचा है लोगों को, क्योंकि मैं सेल्स में था तो मैं बेचता था। पर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपने दिया कीर्तन, वेरी वेरी इंप्रेसिव, और मैं तो बहुत लालची हो गया हूं और आपसे और सीखूंगा। सो पार्ट टू का दोस्तों इंतजार कीजिएगा, और कीर्तन से और सीखना हमको, तो वापस से जुड़िएगा। इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं, और पार्ट टू के लिए वापस से आपसे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू कीर्तन, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच विवेक, थैंक यू।